बदलते भारत की एक और तस्वीर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की ही सरजमी पर। यह ऐसी तस्वीर है जिससे चीन सक पका रहा है और पाकिस्तान घबरा रहा है। एक तरफ अमेरिका की वायुसेना के साथ कोप इंडिया, तो दूसरी तरफ रूस की वायुसेना के साथ ऑपरेशन एवियंड्रा 80। दुनिया की दो महाशक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ अलग अलग जगहों पर दो सैन्याभ्यास, ये तो सिर्फ न्यू इंडिया में ही हो सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हो सकता है जिसकी हर बात में दम हो। चौथी कोप इंडिया एक्सरसाइज में अमेरिका और भारत सभी बड़े विमानों के साथ अभ्यास कर रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार बनने के बाद दूसरी बार रूसी वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन एवियंड्रा 18 भी शुरू कर दिया है। इस सैन्याभ्यास के लिए रूसी वायुसेना अपने साजो सामान लेकर नहीं आई है और वो भारत के उपकरणों का पहली बार इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर लड़ाकू विमान रूसी मूल के ही हैं और दोनों सेनाओं के बीच अच्छा तालमेल पहले से ही है। ऐसे में रूसी सेना को इस युद्धाभ्यास में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। इसे अब तक का सबसे बड़ा सैन्याभ्यास भी माना जा रहा है जो कि 12 दिनों तक चलेगा। अब ये तो भाई पीएम मोदी की अगुवाई में ही हो सकता है कि एक तरफ भारतीय वायुसेना अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हो और उसी दौरान दूसरी तरफ रूस के साथ भी हमारी वायुसेना कंधे से कंधा मिलाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। भारत के इस दम को देखकर दुनिया हैरान है।